मैं विजय सर, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तला वाराणसी से, कक्षा 11 का हिंदी, शिवा सौरिक का दूसरे पद का व्याख्या आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। आइए सबसे पहले हम शिवा सौर के दूसरे पद को हम पढ़ लेते हैं। देखिए, ये शिवा सौर का दूसरा पद है, बाने बाने फराने घराने बाने फराने घराने घंटा गजन के, नहीं ठहराने रावराने देश देश के, नग बहराने ग्राम नगर पराने, सुनी बाजन निशाने शिवराज नरेश के, हाथीन के हौदा उगसाने कुंभ कुंजर के, भवन के भजाने अली छूटे लटकेस के, दल के दरारंत कमट करारे फूटे, केरा के से पात बिहराने फन शेष के। ये तो शिवा सौर का दूसरा पद है जिसे हम पढ़ लिए हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कि इसमें उस कठिन शब्द है, उस कठिन शब्दों के बारे में हम बात कर लेते हैं। यह है शिवा सौर के दूसरे पद का शब्दार्थ। जैसे बाने माने होता है झंडे, झंडा मतलब जैसे जो होता है पता का। घराने माने बहुत अधिक ध्वनि भी बजने लगे, मतलब बहुत जोर का आवाज घंटा कर रहा है। भराने माने टूट गए, टूट टूट कर बिखर गए। पराने माने भाग गए, जैसे भागने लगे। कुंभ माने हाथी का मदमस्त मस्तक होता है, या हाथी बहुत मदमस्त होती है। कुंजर माने हाथी होता है। दरारन माने होता है जैसे धक्का मुक्की, धक्कों से, अर्थात एक दूसरे से जब हाथियाँ तेजी से चलने लगती है तो आपस में लड़ने लगती है, उसे कहते हैं धरानते। और कमट माने होता है कछुआ। करारे माने कठोर, बिहराने माने फट गए। ये तो कठिन इसमें शब्दार्थ है, आप इसे अपने कॉपी पर नोट भी कर लेंगे। आइए इसका संदर्भ है, संदर्भ हम पहले भी वीडियो में बता चुके थे कि प्रस्तुत पदखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के शिवा सौर नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है, जिसके रचयिता महाकवि भूषण जी है। ये तो संदर्भ हुआ, लेकिन इसका प्रसंग है। यहाँ शिवा जी की सेना जो युद्ध के लिए जा रही है, उनके शौर्य का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है। ये तो प्रसंग हुआ, आइए हम अब व्याख्या देते हैं। एक एक लाइन आप देखते जाएंगे। बाने फहराने घराने घंटा गजन के, नहीं ठहराने राव राने देश देश के। बाने फहराने, महाकवि भूषण जी कह रहे हैं कि शिवाजी अपने सेना में विजय के पताका को फहराते हुए इतनी तीव्र गति से सेना के साथ युद्ध के लिए जा रहे हैं कि घंटा गजन के, उनके सेना के चलने वाले हाथियों के गले में बंधी हुई घंटी इतनी तीव्र गति से बज रही है, इतना तेजी आवाज से निकल रही है कि उसकी आवाज को सुन करके विभिन्न देशों के राजा महाराजा उनके सामने ठहर नहीं पा रहे हैं, अर्थात वे भाग जा रहे हैं। सॉरी बेटा, नग भराने ग्राम नगर पराने सुने, और उनके सेना के सेना इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है कि उनके नग भराने ग्राम नगर पराने सुने, उनके आसपास के जितने पहाड़ पर्वत थे, नग माने पहाड़ होता है, वे टूट टूट कर उखड़ने लगते हैं। अब बाजन निशाने शिवराज नरेश के, अर्थात शिवाजी की सेना में नगाड़ों
निशाने वाले, निशाने वाले नगाड़ों की आवाज को सुन करके गांव के लोग अपने गांव को छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। हाथीन के होगता उकसाने कुब कुंजर के, और सेना इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है कि हाथियों के ऊपर जो झूला बंधा हुआ है, हौदा जिसमें राजा बैठते हैं, वह इतना तेज गति से है कि वह ढीले पड़ जा रहे हैं, ढीले हो जा रहे हैं, मतलब कि घसक जा रहे हैं उनके पेट पर से। कुब कुंजर के और हाथियों के मस्तक से निकलने वाला एक मद पदार्थ, जो पहले पद में मैं बताया था कि मद, एक मद निकलता है, उस मद को पाने के लिए भौन के भजाने चित चुके लटके, उस पर तमाम प्रकार के भौरे बैठे हुए हैं, लेकिन हाथी इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है कि वे भौरे उस पर न बैठ पाने के कारण वो अपने वन प्रदेश की तरफ भाग रहे हैं। अब वन प्रदेश की तरफ भागते हुए भौरों की कतारों को देख करके ऐसा लग रहा है, छूटे लटके से ऐसा लग रहा है जैसे किसी का केस, अर्थात शिवाजी का केस, तेजी से सेना बढ़ने के कारण उनका केस जो है बाल बिखर के हवा में लहरा रहा हो। गला खराब है बेटा, थोड़ा सा दिक्कत है। दल के दरारों से कमट करारी फूटी, और उनकी सेना इतनी तीव्र गति से आगे चल रही है कि उनके पैरों की धमक से पृथ्वी को अपने पीठ पर संभालने वाला कछुए का कठोर, कछुए का पीठ जो होता है कठोर आवरण होता है, वह अभी क्या हो जा रहा है, फूट जा रहा है, और इतनी तेजी से जा रहा है उनके पैरों के धमक से शेषनाग जो अपने पीठ पर, शेषनाग जो अपने फन पर पृथ्वी को संभाले हुए हैं, उनके धमक, पैरों के धमक के कारण उनका जो फन है केरा के पत्ते के समान क्या हो गया है, फट गया है। ये व्याख्या है प्यारे, गला खराब है इसलिए हम बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, अगले वीडियो में हम आपको स्पष्ट बता देंगे। आइए अब इसमें कुछ काव्य सौंदर्य के बारे में बात करते हैं। यह है काव्य सौंदर्य, भाषा ब्रज है, छंद मनोहर कवित है, रस वीर है, अलंकार अनुप्रास, अतिशयोक्ति एवं पुनरुक्ति प्रकाश, शैली मुक्तक है, गुण ओज है, क्योंकि ओज भाषा में बोला जा रहा है। इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम यही वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।